उसी सौदाइन के घर के आंगन में दो बड़े से बबूल के पेड़ थे, जिसे देखने से ऐसा लगता था जैसे वो दोनों बबूल के पेड़ एक दूसरे को सहारा दे रहे हो। उसी बबूल के पेड़ का कांटा सभी गर्भवती महिलाओं के पैर में गड़ा था और उनका गर्भपात हो गया था। डायंती का एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, मुझे और निशाच को ये तो पता चल गया था कि वो वृषण कंटक टोना उसी सौदाइन ने किया था अपने पति भक्षानर के साथ मिलकर, पर ये सब उन दोनों ने क्यों किया था, क्या वजह थी इतनी सारी औरतों का गर्भपात कराने की, ये हमें पता नहीं चला था। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि ये सब पता लगा पाए। मेरे गर्भ में भी चित्रा बेटी तुम थी और मुझे डर था कि कहीं वो सौदाइन मेरा गर्भपात भी ना करा दे अपने जादू टोने से। एक सौदाइन जब जादू टोना करती है तो एक डायन भी उस टोने को तोड़ नहीं पाती है, उस सौदाइन के सामने टिक नहीं पाती है। उन दोनों ने मिलकर कई सारे मासूम बच्चों की जान ली थी, कई औरतों की कोख को सुना किया था, उनको माँ बनने से रोका था, और एक माँ ना बनने का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मैंने और निशाच ने सोच लिया था कि हम उन दोनों को उनके इस पाप की सजा दिलाकर ही रहेंगे, पर हम जानते थे कि हम सबके सामने कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर इंसान भी रहा करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक डायन हूँ और निशाच पिशाच है तो हमारा जीना भी वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने और निशाच ने उन दोनों का तो कुछ नहीं किया, पर ये बात गाँव में फैला दी और गाँव में बात हवा से भी तेज फैलती है। गाँव वालों को फैली हुई बात पर यकीन भी हो गया। उसका कारण ये था कि पूरे गांव में बस वही एक घर था जिसके आंगन में दो बबूल के पेड़ थे और पूरे गांव में किसी के भी घर में बबूल का पेड़ नहीं था। वो औरतें जिनका गर्भपात हुआ था, जब उनसे पूछा गया कि क्या गर्भावस्था के दौरान उनके पैर में कोई कांटा गड़ा था तो सभी का यही कहना था कि हाँ गड़ा था, वो भी बबूल के पेड़ का। फिर क्या था, गाँव वालों के अंदर बदला लेने की आग भड़क उठी, उनका खून खौलने लग गया। वो सभी जान गए थे कि वो औरत जिसके घर के आंगन में जुड़े हुए दो बबूल के पेड़ हैं, वो एक सौदाइन है और उसी ने ये सब किया है। रात ही रात पंचायत बुलाई गई और उस पंचायत में फैसला किया गया कि उस औरत को जला दिया जाए। सिर्फ उस औरत को नहीं बल्कि उसके पति को भी, उसके बच्चे तक को भी। आखिर उसे भी तो पता चले बच्चा खोने का गम क्या होता है। जहाँ एक तरफ गाँव वाले हाथों में मशाल लेकर उस औरत के घर को जलाने के लिए निकल पड़े थे, वही दूसरी तरफ उस सौदाइन के घर में कुछ और ही चल रहा था। वो एक टोने से भी बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रही थी अपने पति भक्षानर के साथ मिलकर। इतना कहकर डायंतिका चुप हो जाती है। उस पल को याद करके डायंतिका का दिल जोरों से धड़कने लग गया था, हाथ पैर भी कपकपाने लग गए थे। डायंतिका एक डर के साथ बोल पड़ती है, मुझे वो रात आज भी याद है चित्रा बेटी, मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात मैं और तुम्हारे पिता हमारे घर के अंदर ही मौजूद थे। हमने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए हम घर के बाहर नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जाए जिससे गांव वालों को हम पर भी शक हो और वो हमें भी निकाल दे। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जिस गांव में हम गांव वालों के साथ रहना चाहते थे वो गांव ही नहीं रहा। डायंती का एक लंबी आह भरते हुए कहती है, वो रात कुछ ज्यादा ही काली थी। इतनी काली कि उस रात ने हमें मजबूर कर दिया ये देखने के लिए कि आखिर उस सौदाइन के घर के अंदर चल क्या रहा था। सौदाइन के घर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, ऐसी आवाजें जो मेरे कानों को चुभ रही थी। जब मैंने ये बात निशाच को बताई तो निशाच को भी ये लगने लग गया कि हमें देखना चाहिए कि आखिर उस सौदाइन के घर के अंदर चल क्या रहा है। एक डायन अपनी शक्तियों से दूर तक का सुन सकती है, तो एक पिशाच अपनी शक्तियों से दूर तक का देख सकता है। निशाच और मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस सौदाइन के घर के अंदर चल क्या रहा है ये देखने लगे। इतना कहते ही डायंतिका की आंखों के सामने वो पल गुजरने लग जाता है जब वो अपने घर के अंदर बैठ कर खिड़की से ये देख रही थी कि उस सौदाइन के घर में चल क्या रहा है। रात का वक्त था और वो सौदाइन अपने घर में फर्श पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। उस सौदाइन ने काली साड़ी पहनकर रखी हुई थी, माथे पर बड़ा सा टीका लगाया हुआ था, मांग में सिंदूर और गले में सोने का लॉकेट। उसके गले में जो सोने का लॉकेट था उसके अंदर कुल्हाड़ी बनी हुई थी जो कि भक्षानर वंश की एक निशानी थी। उस औरत की गोद में ही उसका बच्चा था जिसके माथे पर वो भभूत लगा रही थी। उस औरत के सामने ही उसका पति भक्षानर बैठा हुआ था, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। उस भक्षानर ने अपनी आंखों में काजल लगाया हुआ था और जिस तरह वो औरत अपने बच्चे के माथे पर भभूत लगा रही थी वैसे ही भभूत उस भक्षानर ने अपने माथे पर लगा कर रखी हुई थी। उसके सीने पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस औरत और आदमी के बीच फर्श पर ही एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ था और उसके अंदर एक आंख बनी हुई थी। ये ठीक वैसा ही निशान था जो रूम नंबर 666 के अंदर बना हुआ था। इस फर्श पर जो आंख बनी हुई थी उसके अंदर कई सारे बबूल के कांटे रखे हुए थे। हर कांटे के ऊपर खून सना हुआ था, पर हर खून कुछ अलग था, कोई गाढ़े रंग का तो कोई हल्के तो कोई फीका लाल।
जैसे हर कांटे पर अलग अलग इंसान का खून लगा हुआ हो। जैसे ही सौदाइन अपने बच्चे के माथे पर भभूत लगा लेती है, वो अपना नाखून फर्श पर से उठाने लग जाती है। उस सौदाइन का जो पेट था, उसके पेट पर कई सारे कांटे चुभने के निशान थे, जैसे उसने अपने पेट में कांटों को चुभोया हो। सौदाइन जैसे ही अपने हाथ में अपना नाखून पकड़ती है, वो अपने बच्चे की तरफ देखने लग जाती। अपने बच्चे को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। सौदाइन नम आंखों के साथ भक्षानर से कहती है, क्या हम इसके बड़े होने तक का इंतजार नहीं कर सकते वेदांत? वेदांत गुस्से के साथ बोल पड़ता है, बिल्कुल नहीं रेवती, सदियों से हम भक्षानर इंतजार ही तो कर रहे हैं, पर अब बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। हमें हमारे पूर्वज का सपना पूरा करना है, ब्रह्मांड पर राज करने का सपना, और वो तभी होगा जब मुझे शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि इस बच्चे के अंदर है। इसे मरना ही होगा, तभी तो मैं इसकी शक्तियाँ ले पाऊंगा। दूर अपने घर में बैठी डायंतिका, जो इन दोनों की बातें सुन रही थी, जब वो ये बात सुनती है तो उसकी भी रूह कांप जाती है। उसके और निशाच के समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है कि शक्तियाँ पाने के लिए अपने ही बच्चे को मारने के लिए तैयार हो जाए, उसकी ही बलि चढ़ाने के लिए राजी हो। फिर बाद में डायंतिका को एहसास होता है कि वो भक्षानर की बातें सुन रही थी, और भक्षानर अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अपनी संतान को मारना तो उसके लिए कोई मामूली बात थी। रेवती अपने बच्चे की तरफ देखते हुए एक उम्मीद के साथ नम लहजे में फिर वेदांत से बोल पड़ती है, पर हम ऐसे कैसे बच्चे को मार सकते हैं? वेदांत तुरंत पलटकर रेवती से कहता है, ये हम पहली बार कर रहे हैं क्या जो तुम इतना घबरा रही हो? भूलो मत, इससे पहले भी तुमने कई बच्चों को मारा है, वो भी उनकी माँ की कोख में ही, वृषण कंटक टोने से। रेवती भी तुरंत पलटकर जवाब देती है, हाँ मारा है, पर मैंने वो अपनी खुशी के लिए नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए किया है, और वो तो गैरों के बच्चे थे, पर ये तो अपना बच्चा है। वेदांत रेवती पर दबाव बनाते हुए कहता है, अपना बच्चा है तो क्या हुआ, भूलो मत, इसके अंदर ही वो शक्तियाँ हैं जो मुझे चाहिए। इतना बड़ा षड्यंत्र इसी दिन के लिए तो रचा गया था। याद करो, जब तुम मुझसे शादी कर रही थी, उस वक्त तुमने मुझसे कहा था कि जो मैं बोलूंगा तुम वही करोगी, मेरे सपने ही तुम्हारे सपने हैं। और जब मैंने तुम्हें बताया कि मेरा ब्रह्मांड पर राज करने का सपना है, तो तुमने कहा था मेरे सपने को सच करने में तुम मेरी मदद करोगी। मैं कमजोर था, उतना शक्तिशाली नहीं था कि ब्रह्मांड पर राज कर सकूं, पर तुमने कहा था कि तुम मुझे ताकतवर बना सकती हो वृषण कंटक टोने से। जैसे ही वेदांत ये बात बोलता है, उस रेवती की आंखों में वो झलकियां दिखने लग जाती है जो उसने वृषण कंटक टोने के अंदर करी थी। एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही ताकतवर होने लग जाता है। गर्भ जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, बच्चा भी उतना ज्यादा ही शक्तिशाली होगा, ये बात रेवती अच्छे से जानती थी। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी कोख को शक्तिशाली बनाया वृषण कंटक टोने की मदद से। वृषण कंटक टोना करने के लिए सबसे पहले वो रेवती उसके घर के आंगन में लगे बबूल के पेड़ में से बबूल का कांटा तोड़ती थी, मंत्र पढ़कर उस कांटे को शक्तिशाली करती थी, और फिर उस कांटे को ऐसी जगह पर रखती थी जहाँ से गर्भवती औरत का आना जाना होता था। और जैसे ही गर्भवती औरत के पैर में वो कांटा चुभता था, रेवती उस कांटे को उठा लेती थी और अपने घर पर आकर मंत्र पढ़कर उस खून से सने कांटे को अपने पेट में चुभा लिया करती थी, जिससे उस गर्भवती औरत का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता था, और उस बच्चे की शक्ति रेवती के कोख के अंदर चली जाती। 9 साल तक रेवती यही करती रही, अपनी कोख को दूसरे के बच्चों को मारकर ताकतवर बनाती रही, दूसरी औरतों के बच्चों को उनके गर्भ में मारकर। पूरे 9 साल लगे थे रेवती को अपनी कोख को ताकतवर बनाने में, और जब उसकी कोख शक्तिशाली हो गई, तो वेदांत ने उसकी कोख में अपना बीज डाल दिया, और 9 महीने बाद ही उस बच्चे ने जन्म ले लिया जो कि एक भक्षानर का वंशज था। इस बच्चे की बलि चढ़ाकर ही आखिरी बचा हुआ भक्षानर वेदांत शक्तिशाली हो सकता था। उसके पास इतनी शक्ति आ सकती थी कि वो ब्रह्मांड पर राज तो कर ही सकता था, साथ ही यक्षिणी की हवस भी बुझा सकता था, क्योंकि रेवती ने सिर्फ इंसानी औरतों के गर्भ से अपनी कोख को शक्तिशाली नहीं बनाया था, बल्कि कई डायनो, चुड़ैलो, शाकिनी से भी अपनी कोख को शक्तिशाली बनाया था। जब ये पूरा दृश्य डायंतिका रेवती की आंखों में देखती है, तो वो समझ जाती है कि रेवती और उसके पति वेदांत ने क्यों औरतों का गर्भपात कराया था। साथ ही वो ये भी जान जाती है कि रेवती का पति वेदांत एक भक्षानर है, वो आखिरी भक्षानर यानी वेदांत। फिर से रेवती पर दबाव बनाते हुए कहता है, अब देर मत करो, चढ़ा दो इसकी बलि और दे दो इसकी शक्तियाँ, ये काम तुम ही कर सकती हो। मैं थक गया हूँ ये इंसान बनने का दिखावा करते करते, कितने साल से मैंने किसी इंसान का मांस नहीं खाया, खून नहीं पिया, अब तो मैं और ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, मुझे फिर से ताकतवर कर दो, बना दो मुझे फिर से शक्तिशाली, बना दो। इतना कहकर वेदांत भी एक उम्मीद के साथ रेवती की तरफ देखने लग जाता है। रेवती के बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, वो एक बार अपनी नजरें अपने पति की तरफ करती तो दूसरी बार अपनी नजरें अपने बच्चे की तरफ करती। एक तरफ उसका पति था, वो पति जिसने उसकी कोख को अपने बीच से भरा था, तो दूसरी तरफ उसका बच्चा था,
वो बच्चा जिसे उसने अपनी कोख में 9 महीने तक पाला था, उसे जन्म देने के लिए हर दर्द सहा था। वेदांत फिर रेवती पर दबाव बनाते हुए कहता है, इतना क्या सोच रही है तू, जल्दी कर चढ़ा दे इसकी बलि। रेवती की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो रोते हुए कहती है, ऐसे कैसे मैं इसकी बलि चढ़ा दूं, अपनी कोख से जन्म दिया है मैंने इसे। वेदांत गुस्सा करते हुए कहता है, तू रो क्यों रही है, ये रोने का वक्त थोड़ी है, जश्न मनाने का है, इसकी बलि चढ़ा दे। मैं वादा करता हूँ जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो ऐसे कई बच्चे तेरी कोख से जन्म लेंगे। रेवती नम लहजे के साथ कहती है, एक हो या हजार, माँ के लिए उसके सभी बच्चे समान होते हैं और मेरे लिए मेरा ये बच्चा भी मेरी जान ही है। वेदांत गुस्से के साथ कहता है, तो तू बदल रही है, मतलब तू इसकी बलि नहीं देगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी। रेवती को जवाब नहीं देती है। वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और उसके माथे पर लगे भभूत को मिटाने लग जाती है। रेवती के इस व्यवहार ने वेदांत को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। वेदांत गुस्से के साथ कहता है, तुझे क्या लगता है कि अगर तू इसकी बलि नहीं चढ़ाएगी तो मुझे इसकी शक्ति नहीं मिलेगी? मुझे पता था कि तू कभी भी पलट सकती है, इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी करके रख ली थी। इसकी बलि चढ़ाने के लिए मुझे तेरी नहीं बस तेरे नाखून की जरूरत है। उसके बाद इसके अंदर की सारी शक्तियां नाखून के अंदर जाएगी और उसके बाद वो नाखून से मेरे अंदर। इतना कहकर वेदांत हंसने लग जाता है। वेदांत की हंसी ने रेवती के अंदर डर पैदा कर दिया था। वेदांत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रेवती से उसका नाखून छीनने लग जाता है। रेवती अपना नाखून और अपने बच्चे दोनों को ही कसकर पकड़ कर रखती है। वो